फैशन। इस एपिसोड में हम आज आपको दिखाएंगे प्रिंस कली कमीज की कटिंग, जिसकी कटिंग थोड़ी डिफरेंट है, जिसमें सबसे पहले हम कली की कटिंग करते हैं। चलो हम आपको दिखाते हैं प्रिंस कली कमीज की कटिंग कैसे की जाती है। लंबाई हमारी 41 इंच, 45, फिर उसके 7 इंच पे हम चेस्ट, कमर 14, 21, फिर उसके बाद हम सीधे लाइन खींच लेंगे चेस्ट, कमर, हिप, फिर नीचे से स्ट्रेट कर लेंगे, फिर उसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का नाप है 36, तो 36 में 2.5 इंच मिलाएंगे, तो 36 में से 2.5 इंच मिलाया तो हमारा आया 38.5। फिर उसके बाद आधा कर लिया, फिर उसका भी आधा कर लिया, फिर उसका आधा करके लगा लिया निशान। फिर हमारी कमर है 30 में 2.5 इंच मिलाया, उसका आधा करा, फिर उसके बाद हमारा हिप है 35 में 2.5 इंच मिलाएंगे 37.5 का आधा करा, फिर उसका 37.5 का भी आधा, फिर 9.5। फिर उसके बाद हम ये लाइन खींचेंगे शेप, हिप नापा, हिप से नीचे घेर पे निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लगाएंगे तीरे का 8 इंच, ये सीधे स्ट्रेट कर लेंगे, फिर 1 इंच गोलाई दे देंगे। फिर उसके बाद फिर हम कली की शेप देंगे, ये इस तरीके से शेप देते हुए नीचे घेरे तक। ये शेप दे दी, फिर उसके बाद हम नीचे से ये कपड़ा मार्जिन देते हुए काटेंगे, 2 इंच मार्जिन नीचे, फिर उसके बाद हम ऊपर से ये आर्म होल की कटिंग करके, फिर उसके बाद हम कली काटेंगे। ये कली काटते हुए घेरे तक, ये फिर उसके बाद हम ये साइड में मार्जिन देते हुए नीचे घेरे तक ये घेरे तक काट देंगे। ये अब ये हमारी कटिंग हो गई है, ये हमारे फ्रंट पल्ले की, ये फ्रंट पल्ले की कटिंग है। अब हम बैक पल्ला काटेंगे, ये फ्रंट पल्ला इस तरीके से रख लेंगे बराबर, फिर उसके बाद साइड कली जो है ये इस तरीके से रख लेंगे, ये इस तरीके से बिछा लेंगे साइड कली को, फिर 1 इंच आर्म होल में इस तरीके से शेप दे लेंगे, ये कली का निशान इसके बराबर से दे देंगे नीचे से भी। अब हम कटिंग करेंगे ऊपर से इस तरीके से साइड आर्म होल की कटिंग करते हुए, ये साइड की कटिंग करते हुए, ये अब इसको हम हटा देंगे, इस कली को हटा देंगे, फिर उसके बाद हम शेप देंगे इस तरीके से कली के बराबर से नीचे घेरे तक देते हुए। ये अब ये ऊपर का पल्ला हम हटा देंगे, फिर उसके बाद ये हमारी बैक पल्ले की कली की शेप।
अब हम कटिंग करेंगे, ये इस तरीके से कटते हुए नीचे घेरे तक। ये हमारा बैक पल्ला कट गया है। अब हम बाजू काटेंगे, इस तरीके से बिछा लिया। फिर उसके बाद 1.5 इंच नीचे मोड़ का निशान है, ये 16.5 इंच है, 16.5 रखेंगे। फिर इसके बाद 3.25, ये 3.25 इधर से भी रख लेंगे। फिर उसके बाद ये हम सीधा निशान लगाएंगे, ये नीचे ये मोड़ का 1.5 इंच का निशान। फिर उसके बाद हम आर्मोल रखेंगे 8.5, ये मोरी 10 इंच। फिर उसके बाद शेप देंगे मोरी से ऊपर, ये शेप देते हुए ये हमारा आर्मोल का शेप। अब हम कटिंग करेंगे, ये हम ये निशान लगा लिया हमारा मोड़ का, ये आर्मोल, ये बीच। अब हम कटिंग करेंगे आगे की शेप देते हुए इस तरीके से, ये हमारी कटिंग हो गई। ये हुई हमारी प्रिंस कली कमीज की कटिंग। अब रही सिलाई की बात, सिलाई हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे। बस आपको सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। ओके, बाय बाय।